जिस मेरे तू जीता रहे तू ने शेर के बच्चे पाले। हे गाइस, माय नेम इज एंड वेलकम बैक टू जेपी स्टूडियो। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि आप 15th अगस्त इंडिपेंडेंट डे या फिर 26 जनवरी रिपब्लिक डे के लिए आप अपना खुद का व्हाट्सएप स्टेटस कैसे बना सकते हो। जैसे कि दोस्तों, आपने स्टार्टिंग में मेरे वीडियो को देखा, इसमें मैंने नेशनल फ्लैग का VFX लगाया था। तो दोस्तों, ये बहुत ही कमाल का लगता है और क्रिएटिव लगता है। अगर आप भी ऐसा बना लेते हो और आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल देते हो तो आप सबसे अलग लगोगे, क्योंकि दोस्तों सारे लोग नेशनल फ्लैग का फोटोज वीडियो या फिर ये चीज ही डालते रहते हैं इन सब दिनों में। अगर आप अपना खुद का VFX वीडियो बना लेते हो तो आपके चर्चे ही चर्चे हो जाने वाले हैं। दोस्तों, ये एपिसोड मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेरे रिसेंटली वीडियोस में ये सारे कमेंट्स आए थे, और गाइस काफी दिनों से मेरे एपिसोड्स आ नहीं रहे, तो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे। दोस्तों, क्या ही करे, बारिश गिर रही, फिर भी हम वीडियो बना रहे आपके लिए, एक लाइक तो बनता है। सो गाइस, यही तो प्रॉब्लम है, बारिश की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाते। अभी भी बारिश गिर रही, फिर भी मुझे इंडिपेंडेंट डे के लिए वीडियो बनाना था, काफ़ी कमेंट आए थे, तो मैंने सोचा एपिसोड डाल ही देते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, VFX वीडियो को शूट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिंपली हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे हमें स्काई ज़्यादा आने देना है, तो वीडियो को लो एंगल से शूट करना है। अगर आप वीडियो को लो एंगल से शूट करोगे, स्काई ज़्यादा आएगा और वहाँ पर हम VFX लगाएंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। सो गाइस, यहाँ पे मैंने कुछ इस टाइप से शूट किया है, मैंने ट्राइपॉड पे फ़ोन लगा दिया और गाइस एक्सपोजर ये सब लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद एक्टिंग कोई भी कर ली, अगर आपको एक्टिंग नहीं आती तो यहाँ पे मुझे फॉलो कर लो। मुझे भी एक्टिंग नहीं आती, लेकिन मैंने पे कुछ भी ट्राई किया है। एक बात समझ लेना दोस्तों, VFX एडिटिंग के बाद आपका वीडियो बहुत ही बढ़िया लगेगा। दोस्तों, यहाँ पर मैंने जितने भी वीडियो फुटेज, इमेज, साउंड इफेक्ट एंड म्यूजिक को यूज़ किया है, उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो अब दोस्तों एडिटिंग पे आते हैं। सिंपली दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने वीडियो फुटेज को इंपोर्ट कर लेना है। वीडियो आ जाने के बाद उसे अच्छे से ट्रिम कर लेना है। ट्रिम करने के बाद दोस्तों, जो पार्ट पे हमें स्लो मोशन चाहिए वहाँ पे ट्रिम कर लेना है और दोस्तों उसे स्लोमो कर लेना है। फिर गाइस, स्लो हो जाने के बाद लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया में जाना है और इस इमेज को इंपोर्ट कर लेना है। इमेज को अच्छे से क्रॉप कर लेना है। क्रॉपिंग अनेबल करने के बाद फेदर को बढ़ा लेना है, जिससे ये रियलिस्टिक व्यू लगे। फिर दोस्तों, इसे मैं रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट करने के बाद दोस्तों, इसे क्रॉप कर लेता हूँ अच्छे से। दोस्तों, क्रॉपिंग हो जाने के बाद मेन पार्ट है, जो है ब्लेंडिंग मोड। तो गाइस, यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग मोड से इसका अनेबल कर लेता हूँ। ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई रखूंगा, जिससे बहुत ही अच्छा लुक देगा वीडियो में। यहाँ पे VFX में दोस्तों ब्लेंडिंग मोड का बहुत ही बढ़िया रोल है। फिर गाइस, ऐसे हमें दूसरा वीडियो फुटेज को इम्पोर्ट कर लेना है। ऐसे दोस्तों आप बहुत ही बढ़िया क्रिएटिविटी कर सकते हो, आप कोई सा भी VFX लगा सकते हो। सिंपली आप यूट्यूब पे जाके सर्च करो, इंडियन फ्लैग, इंडियन सोल्जर, ये सारी वीडियोस को भी आप अपने वीडियो में लगा सकते हो। ये तो सिर्फ प्रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। गाइस, ऐसे ही आप एडजस्टमेंट कर लो और साउंड इफेक्ट अपने हिसाब से लगा लो। मैं आपको प्रोवाइड कर लूँगा डिस्क्रिप्शन में सारे मेरे साउंड इफेक्ट, म्यूजिक्स एंड सभी चीज़। लेकिन फिर भी आप कुछ अलग से करना चाहो, आप एक्टिंग अलग करना चाहो, एडिटिंग अलग करना चाहो, तो वो भी कर सकते हो। फिर दोस्तों, इस वीडियो फुटेज को अच्छे से कलर एडजस्टमेंट कर लेना है, कलर ग्रेडिंग कर लेना है। आप चाहो तो हमारे चैनल पे VFX के वीडियो देख सकते हो, बहुत सारे हमने ऑलरेडी बना के रखे हैं। एंड गाइस, वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल डालते रहते हैं हम लोग हमारे चैनल पे, तो अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बस यार, थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप न्यू हो चैनल पे, तो आप यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं हमारी चैनल। आपको ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, और स्क्रीन पे दिखाई दे रहे वीडियो को आपने नहीं देखा हो तो उसे भी चेकआउट कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।